टॉपिक है चार्ज बाई इंडक्शंस, क्या चीज़ होती है। अभी देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, अभी ए मान लेते हैं, और इस पर भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। इस पे किस तरीके से बनाया, इसके इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया होगा, ठीक है। और इसको मैंने प्लेस किया एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास, न्यूट्रल बॉडी के पास भी। बी क्या था, अनचार्ज्ड बॉडी भी कर लोगे तो क्या हो सकता है। अब मैंने आपको ये बोला था कि ऐसे कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं है नेचर में जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ना हो। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है मतलब क्या है, वो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, एटम तो है इसके पास, एटम हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास क्या है, नेगेटिव भी हैं, इक्वल अमाउंट में है। इसलिए नेट चार्ज कितना है इसका, जीरो। इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, इसके लिए क्या है, इसके पॉजिटिव चार्ज है। इसको इसके पास रखा गया अभी तो क्या होगा, ये पॉजिटिव खींच लेगा किसको भाई, नेगेटिव को अपनी तरफ ही। यस और नो, यहाँ पे क्या आ गए सारे इकट्ठे हो गए नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गए पॉजिटिव, यस और नो। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी कि रिपल्सन होगी, अट्रैक्शन। एक न्यूट्रल बॉडी में एक चार्ज बॉडी में क्या होती है हमेशा अट्रैक्शन होती है, यस और नो। ब्लैक चार्ज में क्या होती है, रिपल्सन। अनलाइक चार्ज में क्या होती है, अट्रैक्शन। एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी में हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। कर पाओगे, रीजन क्या है, इसको बोलते हैं चार्ज बाई इंडक्शन। इस पर चार्ज नहीं थे, चार्ज बना दिए गए क्या करके, इसके पास एक चार्ज बॉडी रख के भी कर लोगे भाई। अभी तक यह चार्ज बॉडी नहीं बनी है अभी, तो मैंने क्या कर दिया, इस बॉडी को अर्थ से जोड़ दिया अभी, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया अभी, यहीं पर कर दें। इस बॉडी को क्या कर दिया हम लोगों ने, ग्राउंड से जोड़ दिया, दिस सिंबल ऑफ ग्राउंड भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया अभी। इससे क्या होगा भाई, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये बाउंड है इस पॉजिटिव के साथ भी, इसने ये तो इसने पकड़ रखा है भाई, ये फ्री है इसका। जब इसको जोड़ा गया, बुक ये बोलती है कि सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। आपकी बुक का लैंग्वेज है, सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है। इसके बाद सिर्फ क्या बचा है, नेगेटिव, क्या बन गया बॉडी, इट बिकेम नेगेटिव चार्ज बॉडी। कर लोगे, हमने कोई रब नहीं किया, हमने कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं किया, ना हीट बनाई, फिर भी क्या बना दिया, चार्ज बॉडी बना दिया भाई, इट इज़ कॉल्ड चार्ज बाई इंडक्शंस। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया है, इससे कुछ होगा भी, क्या मास रिड्यूस होगा बॉडी का भी, पॉजिटिव किसके पास होता अभी है, प्रोटॉन्स के पास या न्यूक्लियस के पास बोल सकते हैं। क्या न्यूक्लियस अर्थ में चला जाए तो बचेगा क्या उसके पास, 99% मास एटम का कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे ही होता है, तो वो बचने वाला नहीं है, बॉडी तो बचती है फिर भी। यानी बुक थोड़ा गलत बोल रहा है इस बात, बुक में लैंग्वेज है कि पॉजिटिव चार्ज गोज टू अर्थ, हम भी ये लिखवाएंगे आपको जो बुक में है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कुछ और अभी एक्चुअल में कुछ। ये पॉजिटिव कौन, अभी दसवीं क्लास में आप पढ़ के आए हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, उसके उल्टे घूमते हैं भाई। पूछा नहीं किसी ने अपने पॉजिटिव कौन है, अपने टीचर से भी पूछे कौन पॉजिटिव कौन है, एटम तो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, क्या न्यूक्लियस कभी चलता है, आपने प्लस में पढ़ा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर भी। पॉसिबल कैसे है कि आप प्रोटॉन्स बस हाथ घिस के पॉजिटिव को ट्रांसफर करवा दो भाई, पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतना आसान थोड़ी है एटम को तोड़ना भाई, यस और नो। नहीं तो हर कोई बम बनाता पड़ा दिवाली पे, एटम में बम बना के घूम रहा होता है, इतना आसान होता था। न्यूक्लियस को तोड़ रहे हो, न्यूक्लियस को ट्रांसफर करवा रहे हो अर्थ के अंदर, कितना आसान हो रहा है देखो। जब न्यूक्लियस को ट्रांसफर करा दिया, बचा कैसे, बस कुछ नहीं बचा भाई, 99% मास बेस्ड ऑन द न्यूक्लियस भी, 1% में होता क्या, नथिंग भाई। कर पाओगे, यानी जो स्टेटमेंट है ये गलत है भाई। तो आपको ये पहले तो ये होना चाहिए, ये बात पता चलती है आपको नंबर 9 में आके, ये पॉजिटिव है कौन एक्चुअल में। पॉजिटिव 10 में शुरू होती है पॉजिटिव चलना, और हमारी नंबर 9 में जब पता चलता है कि पॉजिटिव एक्चुअल में कुछ हो रही है भाई, ये न्यूक्लियस नहीं है।
न्यूक्लियस कभी नहीं चलेगा क्लास, याद रखिए अभी, क्योंकि इट इज बाउंडेड बाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेज भी। प्रोटॉन्स कभी बाहर निकल सकता है न्यूक्लियस से, आपके पॉसिबल, आपसे पॉसिबल निकल जाएगा, आप हाथ में घिसोगे प्रोटॉन्स बाहर निकल जाएगा वहाँ से, नहीं होगा भाई। तो ये पॉजिटिव है कौन भाई, हम बार बार यूज करते हैं इस पॉजिटिव को भी। पॉजिटिव क्या है ये एक्चुअल में, क्या है, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया भाई, तो खाली जगह बन गई इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से। ये खाली जगह क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, होल्स बोला जाता है इसको, होल। ये नंबर 9 में आएगा भाई सीधा टॉपिक, होल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए नाइट क्या है भी, रात किसको बोलोगे आप, कैसे वो मैं बोल सकता हूँ, इट इज़ अ वैकेंसी ऑफ डे भी, दिन की खाली जगह क्या है, रात, दिन नहीं है तो रात होगी ना। लाइफ क्या है, वैकेंसी ऑफ डेथ भी, डेथ नहीं है तो क्या मिलेगी आपको, लाइफ मिलेगी, यस और नो। नेचर क्या है, उल्टा ही, और नेचर भी, दिन नहीं है तो क्या है, रात है, नेचर क्या है, उल्टा भाई। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पे, खाली जगह भी, होल्स, ये प्रोटॉन्स नहीं है अभी, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हारे होंस उड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो खाली जगह बन रही है ये क्या है एक्चुअल में, ये खाली जगह है इलेक्ट्रॉन्स की, ये प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस नहीं है अभी। अब आपको भी पता होना चाहिए, आपकी बुक ये बोलती है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, हम मैंने पढ़ा हुआ है इसके, हाईली नेगेटिव होता है, तो अर्थ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। यहाँ पे खाली जगह बची हुई है भाई, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आते हैं भाई इन खाली जगह भरने के लिए, समझ में आया। बुक क्या बोलता है कि पॉजिटिव गोज टू द अर्थ, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अर्थ टू बॉडी भी, इलेक्ट्रॉन आके खाली जगह भर देते हैं, खाली जगह भर गई, इधर एक्स्ट्रा हो गए भाई, बॉडी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, लेकिन लिखवाऊंगा वही जो बुक में है। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा भाई, ये सर ना, एक बार लिखवाते हैं इसको, चार्ज बाई इंडक्शंस, देख लीजिए। वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए, वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए, प्लेस नियर टू द अनचार्ज्ड बॉडी बी, प्लेस नियर टू द अनचार्ज्ड बॉडी बी, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी, इंड्यूस्ड मतलब पैदा होना भी, इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी, समझ में आया। इट इज कॉल्ड चार्ज बाई इंडक्शन भी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चार्ज बाई इंडक्शन। अभी तो मैंने टच नहीं किया, ना कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, ना कोई हीट प्रोड्यूस किया, कुछ नहीं किया भाई, सब क्या रखा उसके नज़दीक रख दिया मैंने, कर लोगे। आगे लिखिए, बॉडी बी इज कनेक्टेड विद ग्राउंड, सो पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ। इस मिनट में ये क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि ये पहला टॉपिक यही बनता हमारा, आपको पता ही नहीं कि होल्स क्या होते हैं, ये तो नंबर 9 में आएगा, तब जाके एनालाइज करोगे, हाँ फर्स्ट में कुछ गलत पॉइंट था ये, अब तो आपके लिए सही है, क्योंकि आपके लिए अभी तक तो क्या नहीं आए हैं, होल्स नहीं आए हैं, खाली जगह नहीं आई, कर लोगे तो अब तो बता रहा हूँ, उनको समझ जाओगे तो, कि ये प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस नहीं है अभी क्लास, ये इलेक्ट्रॉन का खाली जगह है, उसका नेचर क्या है, उसका उल्टा है। फेरस में से ईंट बाहर निकाल दो, खाली जगह बन जाए, ईंट वापस डाल दो, फेरस वैसा ही हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या नेचर क्या होगा उसका, अपोजिट होगा नेचर भी, तो खाली जगह क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ एंड बॉडी बी बिकेम नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी, बॉडी बी क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें हमने चार्ज बॉडी बनाई है बिना कहीं फ्रिक्शन यूज किए हुए, कर पाओगे?